सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत। रो क्यों रही है? तो इतनी हिम्मत वाली लड़की, तो मुझे हिम्मत दे रही थी कि घबरा मत, ये वो, रो क्यों रही है? अब ठीक है, अब दर्द हो रहा था। चीकू ने नहीं देख पा रहे ना, अब देखूंगा। ठीक, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। तो बस यार सोच, ये बस आखिरी लग रहा है, सुराख हो रहा है, आखिरी हो रहा है। फिर बस आराम से रेस्ट वेस्ट कर लो, ठीक है? रेस्ट भी नहीं कर पाएगी, फिर दो बच्चे आ जाएंगे, वो नहीं सोने देंगे। सुई लगेगी, कोई बात नहीं। गोलो हाँ, इसको पकड़ बेटा, जगह कैनुले लगाना, थोड़ा नीचे कर दूंगा बैठे। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे दर्द हो रहा है, वैसे दर्द हो रहा था। सब देखते हैं तेरी हर एक चीज देखते हैं। तू क्यों रो रही है अब? और रिश्ता चुप हो, चुप करा इनको, चुप हो। बेबी आई हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जानी है तुम्हें आगे। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो अरमान मलिक फेमस यूट्यूबर है, उनकी बीवी पायल मलिक, उन्होंने दो बच्चों को जन्म दे दिया है, एक बॉय है और एक गर्ल है। फ्रेंड, अगर आप लोगों को आगे का व्लॉग देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, देखते रहे उनकी डिलीवरी की वीडियो। देख रहे थे, बोल दे कुछ। मम्मी पापा, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आप लोग सब मुझे रोज देखते हो, तभी आप मुझे कॉल नहीं करते हो। आप लोगों को पता है मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, और इसी चीज की तसल्ली आपको। तो बस कल आप लोग फिर से नाना नानी। भैया पायल मिल चुकी है आयान से, आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, तू क्या दर्द हो रहा है? खांसी बहुत हो रही है। खांसी क्या कह रहे डॉक्टर? क्या कह रहे? नेबुलाइज हुआ है, 3 बार दवाई दी है। अच्छा, बाकी परेशान हो रही है? कोई बात, ठीक हो जाएगी, टेंशन मत। ठीक है, हो जाएगा, मैं यही हूँ। क्या कह रहे डॉक्टर? क्या कह रहे बेटी? क्या हुआ? ओए पायल क्या हुआ? टांगों में दर्द हो रहा है। होता ही है, होता ही है। माँ बाप वो पति आदमी को फील तो होता ही। आज मैं होता, पायल आते मैं भी, मेरा भी फील हो जाता ये वाला। बेटी ओ बंदरू, दर्द हो रही है? क्या कह रहे डॉक्टर? क्या कह रहे मम्मी? हर 2 घंटे बस वो कह रहे दवाई दी है, और क्या कह रहे अपने आप। लड़की से मिलनी हमारी नहीं मिली? चलो कोई बात, मिल क्या हूँ मैं? पायल बधाई हो, तुम्हारी दर्द तो होगा, थोड़ा ठीक हो जाए बेटा। क्या हूँ? क्या मेरी बात हुई? कितनी देर होगी? खिचड़ी लेके आ।